हलवाई स्टाइल बहुत ही सॉफ्ट एंड मुंह में डालते ही घुलने वाली बर्फी अगर सिर्फ 15 मिनट में एंड सिर्फ 3 चीज़ों से बने तो क्या कहते हो दोस्तों। यस फ्रेंड्स, आप इस बर्फी का टेक्सचर देख सकते हो, बहुत ही बढ़िया टेक्सचर आता है, बिल्कुल हलवाई स्टाइल बर्फी बनती है। तो चलिए फ्रेंड्स, आज ये बर्फी हम बनाते हैं, सिर्फ 3 चीज़ों से बनने वाली है। तो आप इस फेस्टिवल्स में इस बर्फी को ज़रूर बनाइएगा एंड कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको कैसे लगी। तो फ्रेंड्स चलिए बनाते हैं ये खूबसूरत सी एंड बहुत ही टेस्टी बर्फी। तो यहाँ पे सामग्री के मेजरमेंट के लिए मैंने एक कांच का छोटा बोल यूज़ किया है, आप भी इसी तरह से कोई भी कटोरी या बोल सेम यूज़ कीजिए सारी सामग्री के मेजरमेंट के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने 1.5 कप मैदा लिया है, 3/4 कप मैंने पाउडर शुगर लिया है, आप इसकी जगह मिश्री का पाउडर भी यूज़ कर सकते हो, एंड उसी के साथ मैंने यहाँ पे 1/2 बोल शुद्ध देसी घी लिया है, एंड टेस्ट के लिए हमने यहाँ पे इलायची पाउडर यूज़ किया है, एंड पिस्ता एंड आलमंड के फ्लेक्स मैंने यूज़ किए, ये टोटली ऑप्शनल है, अगर आप यूज़ करना चाहते हो तो कर सकते हो, वरना आप इसे स्किप भी कर सकते हो। एंड इसी के साथ मैंने यहाँ पे टीन में बटर पेपर से लाइनिंग करके रखा हुआ है। तो यहाँ पे मैं 1/2 कप घी में से ओनली 1/4 कप घी ले रही हूँ, एंड इसे हम स्लो फ्लेम पे ही गर्म करेंगे, फ्लेम को हाई बिल्कुल नहीं करना है। नाउ जब घी गर्म हो जाएगा तब हम इसमें ऐड करेंगे मैदा, एंड मैदे को हमें बहुत ही कम आँच पे, मतलब बहुत स्लो टू मीडियम फ्लेम पे ही अच्छे से बहुत ही बढ़िया खुशबू आने तक भूनना है। याद रखिए फ्लेम को बहुत कम रखना है वरना मैदा जल जाएगा। हमें मैदे का कलर बिल्कुल भी चेंज नहीं करना है, सिर्फ अच्छे से इसकी खुशबू आने तक हमें इसे भूनना है। तो ये मैदा भूनने के लिए कम से कम 10 मिनट लग जाएगा, एंड मैं इसे अच्छे से भून लेती हूँ। तो देखिए फ्रेंड्स, भूनते भूनते 10 मिनट हो चुका है, एंड इसका कलर भी मैंने बिल्कुल चेंज नहीं होने दिया है, कंटिन्यूसली मैंने इसे स्टर किया है। तो बस इसी तरह से आपको भी कंटिन्यूसली इसे स्टर करना है। नाउ जो बचा हुआ घी था उसमें से हम थोड़ा थोड़ा करके डालेंगे, एंड अगेन इसे 2-3 मिनट के लिए भूनेंगे। तो बस इसी तरह से 2-3 मिनट के लिए भूनना है, एंड अगेन जिस तरह से रिक्वायरमेंट होगा उस तरह से हम घी को ऐड करते जाएंगे। बाई चांस कभी कभी ज़्यादा घी भी चला जाता है या कभी कभी कम घी में भी हो जाता है, सो थोड़ा थोड़ा करके हमें घी यूज़ करना है। सो नाउ 2-3 मिनट मैंने इसे अच्छे से भून लिया है, एंड अगेन मैं बचा हुआ घी इसमें ऐड कर रही हूँ। तो इस तरह से बैचेस में घी ऐड करके हमें इसे अच्छे से भूनना है। बहुत ही प्यारी सी खुशबू आना चालू हो जाता है जब आपका मैदा बहुत अच्छे से भून जाता है। तो बस इसी तरह से बहुत बढ़िया खुशबू आने तक हमें इसे अच्छे से भूनना है। तो टोटल इतना मैदा भूनने के लिए मुझे 15 मिनट्स लगा है। तो देखिए मैदा बहुत अच्छे से भून के रेडी है, इसमें से आप अगर थपथपाओगे तो इसमें से आपको घी दिख रहा होगा। तो बस ये अच्छे से परफेक्ट रेडी है, अब इसे हम ठंडा करने के लिए रखेंगे, लेकिन फिर भी बीच बीच में थोड़ा सा स्टर करते हुए इसे ठंडा कीजिए, क्योंकि पैन गर्म होता है तो मे बी मैदा जल सकता है। सो इसे अच्छे से ठंडा कर लेते हैं। तो देखिए मैदा अच्छे से ठंडा हो चुका है, अब इसमें हम ऐड कर देंगे पाउडर शुगर, एंड इसी के साथ फ्लेवर के लिए मैं इसमें इलायची पाउडर डाल रही हूँ, आप इसमें जायफल का पाउडर भी डाल सकते हो। तो बस इसे अच्छे से मिक्स कर दीजिए। याद रखिए जब मैदा अच्छे से ठंडा हो जाए उसी के बाद आपको इसमें पाउडर शुगर को ऐड करना है, गरम गरम मैदा होगा उस टाइम पे पाउडर शुगर नहीं ऐड करना है। एंड बस इसे अच्छे से मिक्स करके हमारा डो बिल्कुल रेडी हो जाता है। सो देखिए इस तरह से मेरा परफेक्ट बर्फी का डो रेडी हो चुका है। तो यहाँ पे मैंने बटर पेपर से लाइनिंग करके रखा हुआ है, बटर पेपर यूज़ करेंगे तो बर्फी निकालने में बहुत आसानी हो जाता है। तो यहाँ पे नीचे मैं डाल रही हूँ पिस्ता एंड आलमंड के फ्लेक्स, ऑप्शनल है, इससे बर्फी का लुक बहुत ही बढ़िया आ जाता है, अगर आप स्किप करना चाहते हो तो कर सकते हो। तो बस मैंने यहाँ पे पिस्ता एंड आलमंड के फ्लेक्स को डाल दिया है, एंड इसी के ऊपर हम डाल देंगे हमारा मैदे का डो, जिससे हम बनाएंगे बहुत ही खूबसूरत सी बर्फी। अच्छे से प्रेस करके इसे 2-3 घंटे के लिए सेट होने के लिए रख देंगे, या तो आप इसे आधे घंटे के लिए फ्रिज में भी रख सकते हो। ठीक है फ्रेंड्स, तो देखिए ये अच्छे से सेट हो चुकी है, 2 घंटे के बाद बहुत ही बढ़िया से साइड से थोड़ा सा रिलीज़ कर देते हैं, एंड जस्ट प्लेट के ऊपर उल्टा करके
आराम से टैप करते ही आराम से निकल आएंगी, क्योंकि बटर पेपर यूज़ किया है। एंड जस्ट लुक एट दिस फ्रेंड्स, बहुत ही खूबसूरत हमारी बर्फी बिल्कुल परफेक्ट सेट हो चुकी है, बहुत खूबसूरत लग रही है। आप देख सकते हो इसका टेक्सचर बहुत ही बढ़िया दिख रही है। अब मैं आपको इसको काट के दिखाती हूँ, आपको दिखेगा कितनी स्मूथली कट हो रही है। तो इससे आप अंदाज़ा कर सकते हो कि हमारी बर्फी कितनी सॉफ्ट बनी है, बहुत ही बढ़िया बर्फी बनी है, बहुत ही प्यारा टेक्सचर आया है। आप देख सकते हो बिल्कुल हलवाई स्टाइल्स टेक्सचर हमारे बर्फी में आया है। तो फ्रेंड्स, ये रही हमारी हलवाई स्टाइल बिल्कुल, बट हमने ये घर पे बनाई है, बहुत ही सॉफ्ट है। मैं आपको इसको तोड़ के दिखाती हूँ कितना बढ़िया टेक्सचर है, कितनी सॉफ्ट है। देखिए फ्रेंड्स, कितने आसानी से टूट गई। सो ये हमारी परफेक्ट सिर्फ 3 इंग्रेडिएंट्स से बनी हुई बर्फी है, सिर्फ 15 मिनट में बन जाती है। तो फ्रेंड्स, इसे ज़रूर ट्राई कीजिए इस जन्माष्टमी, इस बर्फी को ज़रूर बनाइए। एंड कैसी लगी है मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। एंड वीडियो अच्छा लगा है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए एंड उसी के साथ बेल आइकॉन को भी क्लिक कीजिए, ताकि आपको आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स।